नमस्कार साथियों, गणित समाचार में आपका स्वागत है। 2020 एक ऐसा वर्ष जो कि पिछले 100 वर्षों के बाद एक कोरोना जैसी महामारी को लेकर आया था। हम सभी उम्मीद करते हैं कि ये 2020 जा रहा है तो आने वाले 2021 में इस कोरोना जैसी महामारी से निजात मिलेगी, वो भी दवाइयों और वैक्सीन के रूप में। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 2020 कई मामले में, चाहे वो किसी तरह से स्थितियां रही हों देश और विदेश में, पूरी दुनिया में ही कष्ट का दौर था। इस कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आज हम सबको इस बात को सोचना होगा कि आखिर हर 100 वर्ष में इस तरह की महामारी आती क्यों है। हम लोगों ने जो आकलन किया, इससे ये पाया गया कि हम लोग प्रति 100 वर्षों में कुछ ना कुछ अन्याय, अत्याचार और गलत कृत्य करते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की बीमारियां, इस तरह की महामारियां हर 100 वर्ष में आती रहती हैं और हम सबको ये सबक देती हैं कि प्रकृति से लड़ना, प्रकृति के खिलाफ काम करना बिल्कुल उचित नहीं है। मानव और प्रकृति में बहुत अच्छा तालमेल होना चाहिए और ऐसी स्थिति बननी चाहिए कि मानव को प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति मानव को बहुत सारी चीज़ें देती है। हम आज भोजन कर रहे हैं, चल रहे हैं, रह रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, किसी और परिवेश में रह रहे हैं, पूरी दुनिया आना जाना सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। प्राकृतिक आपदाएं इसी वजह से कभी कभी आकर हमें ये सिखा के जाती हैं कि प्रकृति का सम्मान कीजिए। यदि आप प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे तो प्रकृति भी आपका अनादर करेगी। इसी तारतम्य में कोरोना जैसी महामारी आई थी, जिस पर प्रकृति ने हमें और आपको ये बताने का प्रयास किया, प्रकृति ही सर्वस्व है। आप देखिए, पूरी दुनिया में जब से लॉकडाउन लगा कोरोना महामारी की वजह से, बहुत सारे तालाब, बहुत सारी झीलें पुनर्जीवित हो गईं। आकाश को आप देखिए, नीला आसमान दिख रहा है। कुल मिला के प्रकृति ने हम आपको समझाया कि हमारा सम्मान कीजिए, क्योंकि असलियत में तो हम ही ने आपको पैदा किया है। अब आप देखिए कि हमें जिन जानवरों ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, उस ज़माने में हम लोग जिन जानवरों से हमने विकास सीखा, आज हमने JCB बना लिया, बहुत सारी टूटन मशीन बना ली और एक गजानन जिसको हाथी कहते हैं उसका हम किस तरह से अनादर कर रहे थे। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 2020 बीत रहा है, अब हमको इस तरह से किसी जानवर का अनादर करना, गाय का अनादर करना, घोड़े का अनादर करना, इस तरह के जानवरों का अनादर करना जिनकी वजह से हम इस दुनिया में हैं, इस दुनिया में हमने विकास किया है, तो इन जानवरों की वजह से भी किया है और आज देखिए किस तरह से हम इनका शोषण कर रहे हैं। आप और हम सब मिल करके 2021 में इस बात को प्रतिबद्धित करें, इस बात की प्रतिज्ञा लें कि हम प्रकृति से लड़ना बंद करेंगे, प्रकृति का आदर करेंगे तो प्रकृति भी बराबर हमारा सम्मान करेगी। देखिए, हो सकता है कि अभी 2021 में इस कोरोना जैसी बीमारी का टीका या दवा हम लोगों को मिलेगी और हम लोग फिर से वही जीवन जिस तरह से जीते थे, वही खुशहाल जीवन जी सकेंगे। एक बार पुनः आप सभी को आने वाले 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में हम और आप मिलकर के प्रकृति का सम्मान करें ताकि प्रकृति भी हमारी रक्षा करे। एक बार पुनः नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार, प्रणाम।